So, we'll be starting with a new package, ggplot. Just give me one second. I hope my screen is visible. Great. Now ggplot2 is a package जिसमें where gg stands for grammar of graphics. Now if we say grammar of graphics, so you can understand the level of graphical displays जो हम बना सकते हैं. Now there is base package or base plotting functions which are there already in R inbuilt. उसके लिए आपको अलग से कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता एंड दैट इज नोन एज क्यू प्लॉट और द बेसिक प्लॉट पैकेज विच वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर लास्ट फ्यू क्लासेस. सो दैट वाज अ बेसिक प्लॉटिंग विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन द बेस पैकेज ऑफ आर. बट व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ हाई लेवल वर्जन ऑफ ग्राफिक्स 3D प्लॉट्स और मे बी वी वांट इट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट पर्टिकुलर थीम्स यू नो देयर आर मेनी वेरिएबल्स विच वी वांट टू ऐड to our data, to our graph. In those cases, what we do is we use ggplot2 package. Okay, so it provides us enormous flexibility in building charts and graphs. And also, when we move ahead, you realize ki the importance of ggplot2 is so great because it becomes really flexible to create amazing looking charts in our programming. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल मे बी इन एक्सेल और एंड दैट इज वाई व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन, राइट, कि हम डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द डेटा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड इट थ्रू ग्राफ्स, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो ग्राफ्स जो आपके बनते हैं यूजिंग ggplot2 आर रियली रियली अमेजिंग. यू कैन प्ले विथ इट अलॉट, लाइक ऑब्वियसली इन क्लास आई विल बी following a particular format, I will be using a particular type of a data and using which I will explain you all. But again, you all can obviously try a lot with it. You can add different arguments which maybe I not cover in class because there are enormous arguments which you can do. So you can add your own arguments, you can try your own things at your own time, right? So okay, let's move ahead. It's really, really interesting. ggplot2. The name of the package is not going to install it again, right? आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली टू इंस्टॉल द पैकेज वेर जीजी स्टैंड्स फॉर ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स. ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ग्राफिक्स वी कैन क्रिएट यूजिंग ggplot, राइट. आफ्टर वी इंस्टॉल हम लोग क्या करते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू लोड द पैकेज, राइट, ताकि हम उसको यूज कर पाए. ये हमारे आर में इट्स नाउ इंस्टॉल्ड. नाउ इन ऑर्डर टू यूज इट वी हैव टू ऑब्वियसली इंस्टॉल इट एज वेल, टू लोड इट एज वेल. सो वी विल जस्ट क्लिक ऑन जी वी विल जस्ट राइट ggplot2 एंड नाउ वी आर रेडी टू यूज द पैकेज. ओके, नाउ द नेम ऑफ द पैकेज इज ggplot2 वेयर एज द फंक्शन विच वी यूज इज ggplot, नॉट ggplot2. नेम ऑफ द पैकेज इज जीजी प्लॉट टू, दैट इज वन थिंग, बट जो फंक्शन हम यूज करेंगे दैट इज जीजी प्लॉट, राइट. सो वन थिंग विच इज देयर इन माई पीपीटी, इफ यू सी, ये मैंने एक फ्लो चार्ट एड करा है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मूवमेंट. फर्स्ट इज द डेटा. फर्स्ट वी टेक द डेटा, ऑब्वियसली द वेरी फर्स्ट स्टेप कोई भी डेटा आप ले रहे हो उसमें हम एस्थेटिक्स डालते हैं. नाउ व्हाट आर दीज एस्थेटिक्स? एस्थेटिक्स इज बेसिकली फॉर मैपिंग. आपको एक्स एक्सिस पे क्या डालना है, वाई एक्सिस पे क्या डालना है, किसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है अपने डेटा को, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. देन वी हैव ज्योमेट्रिक्स कि आपको क्या बनाना है. यू वांट टू क्रिएट अ बार प्लॉट, यू वांट टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम, यू वांट टू पुट पॉइंट्स इनटू इट, व्हाटएवर इट इज. सो वो आ गया आपका ज्योमेट्रिक्स. देन
देन वी हैव स्टेटिस्टिक्स. नाउ व्हाट आर दीज स्टेटिस्टिक्स? एंड अगर एट दिस पॉइंट अगर थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है, नहीं समझ में आ रहे, वी मूव स्टेप बाय स्टेप हर एक का, तो आप लोग को समझ में आएगा धीरे धीरे. नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स? दीज आर बेसिकली योर, अगर आपको सम निकालना है, काउंट निकालना है, बेसिकली आपको कौन से स्टेटिस्टिक्स से डील करना है, राइट? एंड देन वी हैव फेसेट्स. व्हाट आर फेसेट्स? इट्स बेसिकली आपको सिंगल प्लॉट में अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स चाहिए साथ में, सो फॉर दैट वी यूज फेसेट्स. कोऑर्डिनेट्स, थीम्स, सब में धीरे धीरे करके आएंगे, बट दिस इज द एंटायर फ्लो दैट वी मूव. ठीक है, सो फर्स्टली आई विल टेक अ डेटा विच इज इनबिल्ट, ताकि आप लोग को इम्पोर्ट नहीं करना पड़े. So I will use a data called empty cars. So I will just show you all this data. It's already there. जैसे मैंने बोला था ना, कुछ pre-installed data sets होते हैं. So I'll just click on empty cars. It's basically the motor trend car road tests. This is basically of a few performance of 32 automobiles which is given to us. And कितने सारे columns हैं देखो यहाँ पे. These are the name of the columns. What are these? It's a form of a data frame. 32 observations, which means we have 32 rows, and we have 11 numeric variables, which states that we have 11 columns. क्या क्या है हमारे पास? MPG. We have MPG means miles per gallon. ठीक है? Miles per gallon. जैसे we say kilometer per liter. वैसे करके miles per gallon. It's a US measurement. We have cylinders, number of cylinders, displacement, gross horsepower, all of these things. We have weight, we have VS, which is the type of the engine, V-shaped or straight. AM, transmission kaisa hai, automatic ya manual, gear, number of forward gears, kitne hai, and number of carburetors. Now, these are different aspects of a particular motor vehicle which we have. And now we are going to analyze all of these using a using ggplot, right? Okay, so the very first thing is, let's view the entire data. Go apna dekh sakte hain. See, ye hamara pura data hum logo diya hua hai. Again, MPG, cylinder, all of these are the different 32 cars, right? We have all these data given to us. Great. आप इसका स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो. ऑल ऑफ दीज आर न्यूमेरिक एज गिवन टू अस. स्ट्रक्चर ऑफ एमपी कार्स, इफ वी सी, ऑल ऑफ दीज आर न्यूमेरिक. ऑल ऑफ दीज आर न्यूमेरिक, राइट? ग्रेट. सो वी विल मूव अहेड एंड वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. नाउ द वेरी फर्स्ट फंक्शन जो हम लिखते हैं is this ggplot. As I said, ggplot2 is the package and ggplot is the name of the function which we'll use. So it's ggplot, and then we have data, which is empty cars, jo hum use kare. Ab data daloge uske andar, and then we put in the mapping. What is this mapping we are talking about? Mapping is aapko x-axis mein kya dalna hai, y-axis mein kya dalna hai. To wo kiske andar jata hai? Aesthetics ke andar. Aesthetics are basically the way you put in your mapping, x-axis, y-axis, and all of those. हम लोग धीरे धीरे आएंगे. Fill, color, बहुत सारी चीज होते हैं. Then we have geom, geom bar. Now what? Why is this geom? Again, geometric क्या होगा? ठीक है? यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ geometrics क्या होंगे? It will it be geom bar, bar chart होगा, या histogram, या point chart, या line chart. So there are different types of chart जो हम लोग किसके साथ use करेंगे? Geom के साथ, right? And then we have geomstat. Geomstat basically sum nikalna hai, count nikalna hai, exactly what do you have to find out, right? And then we have the theme, and then we have the facet. So we'll do it line by line. Abhi ke liye let's start with a very basic thing. Abhi ke liye we'll write ggplot. एंड अगर आप लोगों का फंक्शन बीच में मिस हो जाता है, डो नॉट वरी, आई विल अपलोड द आर स्क्रिप्ट इन ड्राइव सो दैट यू कैन गो थ्रू इट अगेन. ओके, सो जीजी प्लॉट, एंड देन द फर्स्ट थिंग विच वी मेंशन इज द डेटा. डेटा हम ले रहे हैं एमपी कार्स. ओके, एंड देन आई मेंशन मैपिंग में मेरा एस्थेटिक्स क्या जाएगा. नाउ इफ यू जस्ट सी द हेल्प टैब, इफ यू जस्ट सी द हेल्प टैब यहाँ पे, सो इफ आई राइट जीजी प्लॉट द नेम ऑफ द फंक्शन,
यहाँ पे हमें मैपिंग में क्या मिल रहा है, इट्स अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट एस्थेटिक्स. एंड व्हाट आर दीज एस्थेटिक्स? दीज एस्थेटिक्स कैन बी योर x एक्सिस पे क्या डालना है आपको, y एक्सिस पे क्या डालना है, एंड सो ऑन. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी राइट इज दिस इज द लिस्ट ऑफ एस्थेटिक्स विच वी गेट. कोई बात नहीं, वील कम टू इट लेटर. एक एक करके x एक्सिस पे सपोज हमें लेना है वेट ऑफ द कार. सो एज आई मेंशन वेट ऑफ द कार एंड mpg विच इज माइल्स पर गैलन, इन दोनों को कंपेयर करते हैं. ठीक है, x एक्सिस पे लेते हैं वेट की हाउ ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द कार योर माइल्स पर गैलन विल चेंज. ठीक है, सो वी हैव इट ऑन द x एक्सिस, वी हैव वेट, एंड ऑन y एक्सिस वी हैव mpg विच इज आपको क्या प्लॉट करना है ऑन द y एक्सिस. लेट्स रन दिस. द मोमेंट वी रन दिस हमारे पास x एक्सिस पे वेट है एंड y एक्सिस पे mpg है, बट अंदर कुछ नहीं है बिकॉज आपने बताया नहीं अभी तक कि आपको क्या बनाना है, पॉइंट चार्ट, आपको हिस्टोग्राम चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको बताना पड़ेगा. सो देर आर मेनी न्यूमरस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट विच यू कैन मेक. अगर आपको सर्च करना है कि हम क्या बना सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन हेल्प अंडरस्कोर सर्च एंड इसमें जस्ट लिखो जीओम, एंड जो भी हमारा आता है ना लाइक पॉइंट लाइन, इट कम्स आफ्टर दिस अंडरस्कोर. सो जीओम अंडरस्कोर बार, जीओम अंडरस्कोर लाइन, तो हम जीओम अंडरस्कोर लिखते हैं एंड देन वील जस्ट राइट द नेम ऑफ द पैकेज जिसको ये बिलोंग करते हैं विच इज जी जी प्लॉट. देखो यहाँ पे इन द हेल्प टैब क्या आ गया, इतने सारे डिफरेंट, इफ यू कैन जस्ट सी ggplot2, द नेम ऑफ द पैकेज, देन वी हैव geom ab line, देन वी हैव geom, देन वी हैव geom bar, geom blank, geom box plot. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स यू कैन मेक. राइट, क्लियर है सबको? यहाँ पे अगर आप सिंपली geom लिखते अंडरस्कोर एंड फिर हिट करते रन तो भी आपका ये पूरा चीज आ जाता इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायर थिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, लेट अस क्रिएट जियोम पॉइंट विच इज वेरी बेसिक. फॉर ईच वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टी यू विल गेट अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एम पी जी. राइट, जैसे कि अगर मैं बोलूँ फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है डब्ल्यू टी का 2.62 एंड हमारा एम पी जी का 21. सो लेट्स प्लॉट एंड सी क्या होता है. बहुत सिंपल है, यहाँ पे ना जस्ट आपको प्लस कर करके अपना एड करके जाना होता है सब कुछ. सो इट्स वेरी सिंपल, इट बिकम्स रियली सिंपल. अदरवाइज जो हम लोग बेस पैकेज कर रहे थे उसमें देख रहे थे कि प्लॉट के अंदर, प्लॉट फंक्शन के अंदर सब कुछ डालना होता है एज आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे वैसा नहीं है, आप जस्ट प्लस एड कर करके सब कुछ इसके साथ एड करते जाओ. राइट, सो वी हैव जियोम पॉइंट, geom point quickly dekh lo. For all the values of weight, we have all the values of mpg and there are 32 points kyunki hamare data mein we have 32 observations. Again, this is inbuilt data. I have taken an inbuilt data. In my next class, I will import one data set for you all. So I will send it beforehand. Okay? Clear hai? Ye wala cheez starting ka sab kuch clear hai. Now, suppose what I do is, yahan pe, in this, now comes a very interesting portion. अगर मैं इधर पे aesthetics के अंदर color लिख दूं and I'll take the color as blue. समझो मैंने क्या करा है, I've taken aesthetics के अंदर में x axis, y axis and color मैंने ले लिया blue. अब इसको run करके देखते हैं क्या होता है. और देखो कलर मैंने ब्लू लिया बट रेड कलर्स में आ रहे हैं सारे पॉइंट्स एंड यहाँ पे एक की बन गया है या फिर एक लेजेंड बन गया है जहाँ पे लिखा हुआ है डॉट ब्लू. ये क्यों हो रहा है हम लोग समझते हैं. एस्थेटिक्स जो हम लोग यूज करते हैं ना, दिस इज फॉर मैपिंग अ वेरिएबल. यानी कि आपको एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे आपको क्या प्लॉट करना है. सो इट्स ऑलवेज व्हाट डू यू, it's always to determine the relationship which you want to see in the plot. So isme hua kya hai na, when you have taken color as blue within aesthetics,
तो इसको लगा, आर को लगा कि ब्लू इज अ वेरिएबल, जैसे वेट इज अ वेरिएबल, एमपीजी इज अ वेरिएबल, दीज आर डिफरेंट कॉलम्स, वैसे ब्लू इज अ कॉलम। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं एंड फिर इससे क्लियर होगा। सेम एग्जाम्पल जस्ट विद अ ट्विस्ट, जस्ट विद अ ट्विस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कलर इक्वल टू ब्लू। ओके नाउ लेट अस रन दिस। अब देखो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांटेड कि सबका कलर ब्लू हो जाए चेंज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसमें हमने कलर लिया है विद इन द एस्थेटिक्स, इसमें हमने कलर लिया है अलग से विद इन जियोम पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स का कलर क्या हो गया चेंज ब्लू में। इसके अंदर लेने से पता क्या हो रहा है, इसके अंदर लेने से आर को लगता है कि ये जो पूरा आपने यहाँ पे ब्लू लिखा है इट्स अ लेजेंड, इट्स अ वेरिएबल जो आपको एक रिलेशनशिप बेसिकली डिटरमाइन करवा रहे हैं। एंड व्हाई इट चेंजेस टू रेड, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग, ये हमारा पूरा डेटा दिया हुआ है इधर, इसमें वी हैव दिस वी एस एंड ए एम। सो इफ यू जस्ट गो टू द हेल्प टैब, हम जब एम्प्टी कार्स देख रहे थे तो एम्प्टी कार्स में ये जो वी एस है दिस इज अ टाइप ऑफ द इंजन, जीरो जहां पे भी है वैल्यू इट्स वी शेप्ड एंड वन जहां पे भी इट्स स्ट्रेट। सो बेसिकली इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू टेकन, बट ये होना क्या चाहिए था फैक्टर, क्योंकि दो कैटेगरीज है यहाँ पे जीरो एंड वन। सेम गोज फॉर ए एम, ट्रांसमिशन है जीरो एंड वन, सो अगेन इट हैज टू बी अ फैक्टर। सो लेट अस चेंज दीज टू इनटू फैक्टर, ठीक है, लेट अस चेंज। हो सकता है कि हमारे डेटा में इट हैज बीन टेकन एज अ न्यूमेरिक, बट एक्चुअली काम तो एज अ फैक्टर का कर रहे हैं। So let us take it as a factor and I will determine two new columns here. I will not disturb these two original columns. Instead, I will make new columns. New columns add karne ke liye hum kya karte hain, empty cars follow, I put in vs dot fact, theek hai, vs dot fact kar dete hain factor variable banane ke liye, and let me just write factor. Iske andar the string jisko mereko change karna hai is empty cars dollar Yes, ठीक है। मेरा लेवल्स क्या है, मेरा लेवल्स क्या है 0.1, दो लेवल्स है ना, एंड आई हैव टू चेंज द लेबलिंग एज वेल। एंड मैंने लेबल इसका कर दिया सपोज ऑटोमैटिक, बिकॉज इजी रहेगा समझने में कि जीरो किसको, बार बार हमें समझना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा कि जीरो किसको डिनोट करता है एंड वन किसको डिनोट करता है। वी कैन सिंपली चेंज द सॉरी It's not automatic. हम बी एस करें, सो दिस हैज टू बी पी शेप्ड एंड वन हैज टू बी स्ट्रेट। क्लियर, देख लो यहाँ पे। एम्प्टी कार्स, One second. Okay. क्यों करते हैं अभी वापस से एमपी कार्स को। See, we have vs dot fact. जहां पे भी जीरो है वहां पे वी शेप्ड आ गया, जहां पे भी वंस है वहां पे स्ट्रेट आ गया। क्लियर, सेम वील डू फॉर ए एम डॉट फैक, जीरो की जगह लगा देंगे ऑटोमेटिक एंड वन की जगह मैनुअल। So I've already done it over here. I'll just copy paste. I'll share my script also with you all. So no worries. Same I've done for C. Same I've done for M A M dot fact, which is automatic. Ya fir manual. D S is basically V shaped or straight. Now we can check the data again. And we have am dot fact, right? Clear? अब देखो, the only purpose of doing it was plots में हमने यहाँ पे जब blue डाला था within aesthetics, तो मैंने बोला it took it as a variable कि blue एक variable है हमारा, उसके हिसाब से मुझे points को color करना है। Now what if मैं कोई actually एक variable का नाम डालूँ यहाँ पे, and हम ले लेते हैं यहाँ पे instead of this, let me just take am dot fact. Whether the vehicle is automatic or manual.
नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. अब इधर क्या हो रहा है, अब इधर कलम में व्हेन आई एम टेकिंग, अब इधर कलम में व्हेन आई एम टेकिंग ए एम डॉट फैक, पहले इट वॉज ब्लू, अब देखो क्या आ रहा है, पहला ऑटोमेटिक 0, 1 वॉज मैनुअल एंड ऑल दीज 32 पॉइंट्स जो पहले था, ऑल दीज 32 पॉइंट्स हैव नाउ चेंज्ड इनटू रेड एंड ग्रीन. रेड सिग्निफाइज ऑटोमेटिक कार्स एंड ग्रीन सिग्निफाइज मैनुअल. व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड विद द डेटा, जनरली वी सी दैट द ऑटोमेटिक कार्स का वेट ज्यादा होता है, ज्यादा है ना इस साइड है, एंड मैनुअल कार्स के वेट कम है. ऑटोमेटिक कार्स का एमपीजी इज लेस, माइल्स पर गैलन इज लेस देन दैट ऑफ द मैनुअल कार्स. क्लियर क्लियर, दैट इज वॉट यू कैन एनालाइज विद दिस. सो बेस सॉरी सो बेसिकली वॉट डू आई मीन बाई दिस, वेन वी यूज कलर और एनी थिंग विद इन एस्थेटिक्स, ये एज अ वेरिएबल लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ अ कलर. तो यहाँ पे जब मैंने ब्लू लिया तो ये एज अ वेरिएबल ले लिया एंड सारे पॉइंट्स हमारे आ गए रेड. रेड क्यों, रेड इज द वेरी फर्स्ट कलर व्हेन वी यूज द कलर कीवर्ड. तो यहाँ पे रेड इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच हैज बीन टेकन. तो ऑल्दो नाम इसने ब्लू एज अ कलर नहीं लिया, इसने ब्लू एज अ वेरिएबल ले लिया. इज इट क्लियर नाउ, वेरी गुड. बट अगर आपको कलर करना होता तो आप इसके जियोम पॉइंट के अंदर डालते अलग से, ठीक है. आप यहाँ पे भी डाल सकते थे, आप यहाँ पे भी डाल सकते थे, बट अलग से. अलग से मीनिंग इसके अंदर नहीं, इसके बाहर आप कलर इक्वल टू ब्लू लिख सकते थे. देख लो, बट इट मेक्स नो सेंस क्योंकि अगेन हम जीजी प्लॉट के अंदर लिख रहे हैं. सो व्हाट डू वी कंक्लूड ये सब सारे चीजों के बाद, कि या तो आप कलर एस्थेटिक्स के अंदर लिख सकते हो, अगर आप उसके अंदर लिख रहे हो मतलब इट विल बी टेकन एज अ वेरिएबल सेपरेटली, राइट. और इफ यू टेक इट विद इन जियोम पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने विद इन जियोम पॉइंट लिया, तो एक्चुअली इट विल टर्न आउट एज अ कलर. See, I've written a short note यहाँ पे. Aesthetics determine what relationships we want to see in the plot, whereas geoms determine how we want to see the relationship. क्योंकि अगर हमने aesthetic के अंदर लिया, so that is basically what kind of relationship we want to see. Weight and MPG का, and automatic है कि नहीं vehicle. एंड जियोम्स के अंदर डालेंगे, सो हाउ डू यू वॉन्ट टू सी द रिलेशनशिप. ब्लू कलर मे बी आप कुछ और उसमें ऐड करते जाओगे, फिल एंड ऑल विच विल कम लेटर ऑन, साइज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इट ट्रीट्स ब्लू विद इन द एस्थेटिक्स एज अ वेरिएबल. जब यहाँ पे हम लोग यूज करे थे तो उसको एज अ वेरिएबल लिया, सो वी नाउ इट क्रिएटेड अ न्यू कैरेक्टर वेक्टर एक्चुअली, एंड विच टुक जस्ट वन वैल्यू विच इज ब्लू. एस्थेटिक्स के अंदर कलर यूज करेंगे या फिर जियोम के अंदर यूज करेंगे, डिफरेंस क्लियर है ना अभी, राइट. ओके, सो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एस्थेटिक्स के अंदर लिखोगे, सो व्हाट रिलेशनशिप यू वांट टू डिटरमाइन. जियोम्स के अंदर लिखोगे, इट बेसिकली मींस हाउ डू यू वांट टू सी योर रिलेशनशिप्स. ओके, मूविंग ऑन. सो दिस वी हैव एस्टैब्लिश्ड. नाउ लेट अस Now let us group the observations on the basis of हमने करा on the basis of AM. Let us also group it on the basis of GAIR. ठीक है, on AM and GAIR. तो हमारा GAIR is this number of GAIRs, front GAIRs. तो ये यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. I'll just do one thing. I'll take this entirely. अब ना क्योंकि these values which we are, these plots which we are making, we can put this into some other variables as well. जैसे मैंने P में डाल दिया इसको, कर सकते हो कोई भी नाम के variable में इसको डाल सकते हो, because again it's a normal function. हम कोई भी function को कोई भी variable में डाल सकते हैं.
अब जैसे कि मैंने बोला कि हमने कलर में हमने अभी तक ये वाला बना रखा था, देखो. सो कलरिंग वॉज अकॉर्डिंग, द कलर ऑफ द कॉइंस वॉज अकॉर्डिंग टू द एम फैक्टर. अब मैं कर देती हूँ एक और चीज इधर, साइज. एंड साइज मैं कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू गेयर. ठीक है, मतलब जो ये हमारा साइज ऑफ द पॉइंट्स है, दैट विल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गेयर्स व्हिच वी हैव. देन क्या मैंने पी को, देख लो एनवायरनमेंट विंडो में वी हैव पी लिस्ट ऑफ 9. ठीक है, नाउ पी प्लस मैं करूंगी जियोम पॉइंट. नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस जूम जूम बटन ओवर हियर, तो यू विल गेट अ एनलार्ज्ड वर्जन ऑफ द एंटायर प्लॉट एरिया. सॉरी, तो यहाँ पे देखो वी हैव ऑटोमेटिक एंड मैनुअल. सो दीज पॉइंट्स व्हिच यू सी इन रेड इज बेसिकली ऑटोमेटिक कार्स, द ब्लू वंस आर मैनुअल कार्स, एंड द साइज ऑफ द पॉइंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ गियर्स. सबसे छोटा साइज इज फॉर 3, उससे बड़ा 3.5, 4 एंड सो ऑन. सो दीज आर जस्ट द गियर साइज, नंबर ऑफ गियर्स व्हिच वी हैव. Here, अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग बन रहा है कि जनरली हम इसको देख के क्या बोल सकते हैं, इस पूरे ग्राफ को देख के व्हाट कैन वी से. जिनका भी जनरली फॉर मैनुअल कार्स वी हैव मोर गेयर्स देन दोज ऑफ ऑटोमेटिक कार्स, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट सबके छोटे छोटे हैं. साइज दिस वी कैन से नाउ कि फॉर मैनुअल कार्स द नंबर ऑफ गेयर्स आर मोर देन दैट ऑफ ऑटोमेटिक कार्स. Yes, great. So this is how you establish the relation. Now moving on, अब इसके बाद थोड़ा और इसमें अगर हम लोग इसको चाहें इम्प्रूव करना अपने प्लॉट को, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट पुट इन, लेट मी टेक दिस विच वी क्रिएटेड अर्लियर. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जियोम पॉइंट के अंदर, तो ये मेरा ये आ रहा था, देख लो ये वाला ग्राफ आ रहा था. टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पॉइंट्स अ बिट, वी विल जस्ट राइट साइज एंड मे बी मैंने कर दिया इसको 5. देयर इज आल्सो एन आर्गुमेंट अल्फा. अब अगर आपको ये आर्गुमेंट सुनने, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे जियोम पॉइंट एंड इसमें आपको लाइन से सारे आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे. देखो यू हैव पोजिशन, यू हैव लेजेंड एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. तो हमारे केस में हम अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा. हम अल्फा लेते हैं 0.4. क्या हुआ द डिफरेंस, साइज हमारा इंक्रीज हुआ. ऑल्सो अगर आपको समझ आ रहा होगा तो ट्रांसपेरेंसी लेवल डिक्रीज, ये थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा है दैन दीज, राइट. सो बेसिकली अल्फा इज फॉर ट्रांसपेरेंसी, अल्फा इज फॉर, ये कब यूज होते हैं, जब हम एक से ज्यादा ग्राफ्स साथ में प्लॉट करते हैं, जो हम अभी देखेंगे. ऑन स्केल ऑफ 0 to 1, जहां पे आपका 1 इज एकदम कंप्लीटली ओपेक एंड 0 इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट. क्लियर, 1 इज कंप्लीटली ओपेक एंड 0 इज फॉर द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, कुछ भी नहीं दिखेगा. एंड साइज इज बेसिकली द साइज ऑफ द पॉइंट्स. क्लियर, ओके. Now let us just do a basic statistical transformation. डरना मत नाम सुन के कि statistical transformation में क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ भी great नहीं करेंगे. ये जो हमारे points थे ना पहले, ये जो हमारे points थे, now suppose I want a smooth line इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि उसका डेंसिटी कैसा जा रहा है. ठीक है, इन द सेंस मैं एक बार करके दिखाती हूँ एंड देन आई विल डिस्कस इट फर्दर. सपोज यहां मैंने लिख दिया जियोम स्मूथ. नाउ व्हाट इज दिस जियोम स्मूथ स्टैंड फॉर, व्हाट इज दिस जियोम स्मूथ स्टैंड फॉर, एक बारी के लिए खाली ऐसे रन करते हैं. ओके, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स. सी हुआ क्या, समझो
ये जो हमारे सारे पॉइंट्स थे, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट डिक्रीज द साइज टू 3 एंड ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा इंक्रीज करते हैं 7. देखो क्या हुआ, ये जो हमारे सारे पॉइंट्स थे ना, ध्यान देना, ये जो हमारे सारे पॉइंट्स थे इनसे मिलके मेरा एक कर्व बन गया है, सो दैट आई कैन फॉलो थ्रू लाइक वेट एंड एमपीजी एंड मैनुअल कार को अगर आप कंपेयर करो, सो इफ वेट इंक्रीजेस द एमपीजी ऑफ द मैनुअल कार डिक्रीजेस, इफ यू कंपेयर ऑटोमेटिक कार्स इफ द वेट इंक्रीजेस योर एक स्लाइट इंक्रीज है एमपीजी में देन इट ऑल्सो डिक्रीजेस, सो दैट इज वॉट इट सेज. एंड वॉट आर दीज ग्रे लाइन्स, दीज ग्रे लाइन्स आर बेसिकली द स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन है. ये आपका एक्चुअल लाइन हमारा बना, फिटेड लाइन बना, ठीक है, जो आर ने खुद से कैलकुलेट करके बनाया. एंड देन ये जो आप साइड्स में लाइन देख रहे हो, ये जो आप साइड्स में लाइन देख रहे हो, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन विच कैन हैपन अक्रॉस दिस लाइन. इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है. सो इट्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज विच यू गेट इन ऑर्डर टू रिमूव दिस. देखो इसमें आओ, जियोम्स मोड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अगर जब हम पॉइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं. सो इट बेसिकली एड्स द आई इन सीइंग द पैटर्न. अगर यहाँ पे आपका, क्योंकि ओवर प्लॉटिंग है, पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, लाइन से देखो आपको पैटर्न समझ में आ रहे हैं, स्मूथ लाइन से आपको पैटर्न समझ में आ रहे हैं. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक ये जो हमारा एसी है, स्टैंडर्ड एरर बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसको आप क्या कर सकते हो, फॉल्स, तो हमारा वो जो ग्रे लाइन है वो चला जाएगा. इसको आप फॉल्स कर सकते हो, हमारा ग्रे लाइन चला जाएगा. ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड. व्हाट इज दिस मेथड, व्हाट इज दिस मेथड, देखो मेथड आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग दिस स्मूथ लाइन, लीनियर मॉडल, GLM. वी विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस. अभी के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सो इट्स नल. तो अपने आप जो भी आर को कंफर्टेबल लगा उस हिसाब से उसने एक फॉर्मूला यूज करके, मेथड यूज करके उसने ये वाला जो स्मूथ लाइन हमें दे दिया. अगर आप लिखोगे LM विच इज लीनियर मॉडल विच इज y इक्वल टू x, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा लीनियर मॉडल में. वी कैन ट्राई दैट एज वेल बट नॉट गोइंग इन टू मच ऑफ डिटेल्स. ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर मॉडल मतलब हमेशा यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, रिलेशनशिप ऑफ y एंड x आप पे स्ट्रेट लाइन बनता है इन केस ऑफ लीनियर मॉडल्स, ठीक है. ओके, डिफरेंस यू कैन डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स. सेम आप यहाँ पे भी अपना साइज एंड यू नो अल्फा का वैल्यूज पुट इन कर सकते हो, राइट. देयर विल बी अ चेंज इन ट्रांसपेरेंसी लेवल, यू कैन पुट इन अल्फा, यू कैन पुट इन साइज, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. क्लियर. ऑल्सो जब हम ये कर रहे थे, जहां पे हमारा स्टैंडर्ड एरर फॉल्स नहीं था दिस ग्राफ, तो यहाँ पे आपका जो ये आ रहा था, एक बार ये अल्फा भी हम हटा देते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये स्टैंडर्ड एरर का आ रहा था, स्टैंडर्ड डिविएशन का आ रहा था, दिस वॉज ग्रे इन कलर, बाई डिफॉल्ट इट्स ऑलवेज ग्रे. तो इन ऑर्डर टू चेंज दिस हम एक वर्ड यूज करते हैं फिल. वी कैन यूज इट विद इन एस्थेटिक्स. तो अगर मैं फिल में भी लिख दू am.fac, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ाऊंगी अभी. इफ आई राइट am.fac इन फिल एज वेल, ओके, समझ में आ रहा है डिफरेंस. फिल लिखा मैंने, फिल इज बेसिकली फॉर दिस स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपने बनाया उसका फिल करने के लिए. कलर से क्या हुआ, आपका ये लाइन्स कलर हो गया, बट फिल से आपका क्या होगा, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन वाला चीज कलर होगा. देखो इट्स अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कलर. यहाँ पे इट वॉज ग्रे, आई हैव चेंज्ड इट टू क्लियर क्लियर.
ठीक है. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज जियोम स्पेसिफिक एस्थेटिक्स. व्हाट इज जियोम स्पेसिफिक एस्थेटिक्स? यहाँ पे मैंने क्या किया समझो, आई हैव टेकन दिस एस्थेटिक इन दिस एंटायर जीजी प्लॉट, विच इज एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, एंड देन कलर करो. जो भी आप प्लॉट करोगे उसके ऊपर हिस्टोग्राम जो भी होगा, उसका कलर होगा अकॉर्डिंग टू ए एम, उसका फिल होगा अकॉर्डिंग टू ए एम. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर एंड फिल? देखो पॉइंट्स में खाली कलर होते हैं, देयर इज नो फिल. जैसे यहाँ पे जियोम स्मूथ में क्या था, ये जो लाइन है इसका कलर होता है एंड ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फिल होता है. सिमिलरली व्हेन वी मेक हिस्टोग्राम और बार प्लॉट, तो जो उसका अंडरलाइनिंग है दैट इज कलर बेसिकली, एंड उसके अंदर जो फिल करते हो दैट इज फिल. तो ये जो फिल वाला आर्ग्यूमेंट है ये सारे जियोम के लिए नहीं है एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर सम लाइक जियोम स्मूथ, जियोम बार जब बनाएंगे तो बार्स के लिए एप्लीकेबल होता है. सो यहाँ पे व्हाट आई डिड वाज आई हैव टेकन द एस्थेटिक्स दोनों के लिए. पॉइंट्स भी कैसे आए ए एम के अकॉर्डिंग एंड स्मूथ लाइन भी कैसे आया ए एम के अकॉर्डिंग, राइट. नाउ व्हाट इफ आई डू दिस एज आई रिमूव दिस फ्रॉम हियर, I remove this from here. मैंने ये हटाया, मैंने खाली x axis, y axis पे लिया, देख लो. मैंने वो हटा दिया. Now इसके अंदर में geom point के अंदर में भी हम aesthetics ले सकते हैं. And यहाँ पे I will put this color am fac, फिर एक बार के लिए हटा देते हैं again. क्या किया मैंने देखो, जियोम स्पेसिफिक एस्थेटिक लिया मैंने, मतलब ये जो एस्थेटिक मैंने डाला है दिस इज स्पेसिफिक टू जियोम पॉइंट, दिस विल नॉट बिलोंग टू जियोम स्मूथ. ये रन करके देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस. यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं, इफ यू सी द पॉइंट्स, दीज आर कलर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, राइट. But the line which you get, geom smooth, is one single straight line for all 32 observations. क्यों? क्योंकि इसमें तो हमने कुछ aesthetic डाले नहीं, इसमें खाली हमने weight और MPG लिया and just we said plot करो एक smooth line. क्योंकि this aesthetic which we earlier took, this is for geom point only. Clear है ये वाला चीज? So it's a geom specific aesthetic which I have taken. राइट. बट अगर मुझे दोनों के लिए करना है तो मैं क्या करूंगी, इंडिविजुअली मुझे यहाँ पे भी एक डालना पड़ेगा. सो आई कैन जस्ट मे बी राइट यहाँ पे जियोम पॉइंट एंड इसके अंदर मैं लिख देती हूँ. सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे एक चीज, एक कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे. सो द मैपिंग जो हम करते हैं एस्थेटिक्स में डाल के इज डन only for the points and not for smooth lines. Be clear hai? Idhar pe mapping is not done for the smooth lines. Why? Because ye maine specifically khali geom point ke liye liya. I can do it vice versa as well. Karke dekh lo. Ye wala aesthetic instead of here, I can put it in geom smooth. Let's run this. ऐसे ही फॉल्स करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ऐसी से. क्या हो रहा है अब, क्या हो रहा है बताना. वी हैव ऑल द पॉइंट्स ब्लैक इन कलर क्योंकि जियोम पॉइंट के अंदर हमने कुछ भी अलग से देखो कलर नहीं लिया. सो वी जस्ट गेट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट्स. बट जियोम स्मूथ के अंदर आपने कलर ले लिया ए एम फैक, तो आपके दो लाइन्स बन गए. इज दिस जियोम स्पेसिफिक थिंग क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट यहाँ पे कि हम जब साथ में लेते हैं एस्थेटिक इन दिस जीजी प्लॉट, यस वी कैन डू बोथ एट द सेम टाइम. तो अगर देखो यहाँ पे सपोज दोनों मतलब जियोम पॉइंट एंड स्मूथ, यू कैन डू बोथ. एस्थेटिक के अंदर यहाँ पे फिल लिख दिया,
इसमें ब्लू क्यों आया? क्योंकि हमने कलर नहीं चेंज करा इधर, हमने खाली फिल चेंज करा, तो इसलिए फिल अलग आया खाली। तो मैंने क्या किया इधर, कलर जियोम पॉइंट का ए एम फैक के जैसे किया है, देख लो पॉइंट्स कैसे हैं, ए एम फैक के जैसे हैं, राइट। एंड जो लाइंस हैं उनका फिल कैसे है अकॉर्डिंग टू ए एम, कलर नहीं है बिकॉज मैंने कलर डाला नहीं, आप कलर भी डाल सकते हो इधर, ठीक है, ओके, इज इट फाइन मिलन, ओके ग्रेट। सो आप अलग अलग भी कर सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज व्हाई वी यूज बियॉन्ड स्पेसिफिक एस्थेटिक्स। क्योंकि अगर मुझे खाली पॉइंट्स को खाली कलर करना है अकॉर्डिंग टू ए एम, या फिर खाली स्मूथ लाइंस को कलर करना है अकॉर्डिंग टू ए एम, सो उस केसेस में हम लोग ऐसे करते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को नहीं करा, जस्ट मैंने स्मूथ लाइंस को करा है। सो दीज आर जियोम स्पेसिफिक। नाउ देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैपिंग एंड सेटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस क्विकली, मैपिंग एंड सेटिंग। तो मैपिंग में क्या होता है, जैसे आप वी विल बेसिकली मैपिंग द एंटायर थिंग। इफ यू जस्ट रन दिस, आई विल जस्ट रन दिस, ओके, आई विल जस्ट रन दिस एंड शो यू ऑल। हम यहाँ क्या करें, आई एम मैपिंग दिस कलर, दिस एम फैक टू द पॉइंट्स, और बेसिकली यू कैन से आई एम अटैचिंग अ वेरिएबल विच इज एम फैक, करें ना हम यही करें। नाउ व्हाट इफ आई डू लाइक दिस, ये सेम चीज वी आर डिस्कसिंग, जस्ट दैट आई एम गिविंग यू ऑल द कलर एज ब्लू। मैंने यहाँ पे कलर ले लिया ब्लू, मैंने यहाँ पे कलर ले लिया ब्लू, सो आई एम जस्ट सेटिंग द कलर एज ब्लू इन दिस केस। इन दिस केस व्हाट आई एम डूइंग, इन दिस केस व्हाट आई एम डूइंग, अलग से मैं एक वेरिएबल अटैच करूँ। ये डिफरेंस हमने पहले ही कर लिया ऊपर, आई एम जस्ट re-explaining it. Clear? Is it clear? एक चीज ट्राई करके देखते हैं इधर, एक चीज ट्राई करके देखते हैं इधर, इसको ना अपने एस्थेटिक में डाल के देखते हैं। दिस इज एन एरो। आई हमने कलर लिखा है ब्लू, अगेन द सेम थिंग जो हमने ऊपर पढ़ा, बट हमारा कलर तो रेड आ रहा है, सो दिस हैज बीन टेकन एज अ वेरिएबल, बट एक्चुअली वेरिएबल की जैसे वर्क हमें नहीं करवाना था, हमें जस्ट कलर इसका ब्लू चाहिए था, तो हम एस्थेटिक्स के अंदर नहीं डालेंगे। सो मेजरली व्हाट डू वी सी, जब भी आप कुछ भी एस्थेटिक्स के अंदर डालोगे, सो दैट इज फॉर मैपिंग अटैचिंग अ वेरिएबल। जब आप अलग से लिखोगे जस्ट लाइक दिस, सो इट्स बेसिकली सेटिंग द कलर, द साइज, द फिल एक्सेट्रा। क्लियर? ग्रेट। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग, इज इट क्लियर टिल हियर एवरीथिंग? नाउ वील मूव टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट, अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थिंग विच इज स्पेसिफिक। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड माई क्लास इंटू टू। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज वील जस्ट कवर डेटा, हमने देखा एस्थेटिक्स क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कलर दे सकते हो, फिल दे सकते हो, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स डिपेंडिंग कि आपको कौन सा वेरिएबल लेना है। ज्योमेट्रिक्स स्टेटिस्टिक्स, ज्योमेट्रिक्स इज बेसिकली जियोम पॉइंट, जियोम स्मूथ जो हम लेके करें। अभी तक हमने खाली जियोम पॉइंट एंड जियोम स्मूथ सीखा है। इन माई नेक्स्ट क्लास वील डू जियोम हिस्टोग्राम, जियोम बार, ऑल ऑफ दोज थिंग्स।
Statistics also we'll move to in our next class. I am moving to facets, coordinates and themes today. ठीक है, तो ये तीन आज हम कवर करेंगे एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग. सो व्हाट इज फेसेटिंग? दिस इज बेसिकली जहां पे आपको यू एक्चुअली वांट टू शोकेस टू और मोर ग्रुप्स इन वन सिंगल प्लॉट. नाउ सपोज व्हाट हैपेंड, यहाँ पे वी हैव ऑटोमैटिक एंड मैनुअल इन वन सिंगल प्लॉट. व्हाट इफ आई वांटेड ऑटोमैटिक का एक प्लॉट एंड मैनुअल का एक अलग से प्लॉट? तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? फेसेटिंग. देखो कैसे करते हैं. व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी पेस्ट दिस, लेट मी जस्ट टेक दिस एंटायर थिंग एक बार के लिए एंड यहाँ पे मैं दे देती हूँ. ऐसे रखते हैं प्लस जियोम स्मूथ ऐसी फॉल्स, मतलब स्टैंडर्ड एरर वाले जो लाइंस होते हैं साइड में वो मुझे नहीं चाहिए तो इनको हम फॉल्स कर देते हैं. राइट, इनको हम फॉल्स कर देते हैं एंड अब हम यूज करेंगे फेसेट टैब. फेसेट रैप, अब देखना कैसे इसमें लिखते हैं, इट्स अ लिटिल ट्रिकी. सो आई जस्ट गो थ्रू द हेल्प टैब. फेसेट रैप में यू गिव द फेसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू डिवाइड योर प्लॉट्स. यहाँ पे मैंने देखो अभी तक, इफ आई जस्ट रन दिस थिंग, मैंने खाली एक्स एक्सिस दिया वेट, वाई एक्सिस दिया एमपीजी, जियोम पॉइंट एंड जियोम स्मूथ लिया खाली एंड स्टैंडर्ड एरर की लाइंस को हटाया. सो इट्स जस्ट वन सिंगल थिंग. आई वॉन्ट दिस इंटायर थिंग जो भी है वेट एंड एमपीजी टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए एम. सो वील यूज द साइन टिल्ट एंड आई विल राइट ए एम. दिस टिल्ट साइन इज अबव द टैब बटन ऑन योर लैपटॉप. तो शिफ्ट के साथ आपको यूज करना होता है am.fac एंड इसको अब हम रन करेंगे. क्या हुआ देखो, वी हैव टू डिफरेंट प्लॉट्स, वी हैव टू डिफरेंट प्लॉट्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल. पहले क्या था, इन वन सिंगल प्लॉट दो अलग अलग कलर्स आ रहे थे बिकॉज हमने एस्थेटिक्स में लिखा था. नाउ आई एम यूजिंग फेसेट ट्रैप एंड डिवाइडिंग माई इंटायर प्लॉट इन टू टू डिफरेंट प्लॉट्स इन ऑर्डर टू गेट द डिफरेंट वेरिएबल्स. क्लियर? यहाँ पे देर इज वन मोर आर्ग्यूमेंट विच यू कुड हैव गिवन विच इज एन कोल, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितना चाहिए. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स टू है. व्हाट इफ आई राइट दिस एज एन कोल, व्हाट इफ आई राइट दिस एज एन कोल वन, ऊपर नीचे आ जाएगा. क्योर है? अगर यहाँ पे आई हैव यूज्ड वन वेरिएबल इन माय फेसेटिंग, इफ आई वांट टू यूज टू वेरिएबल्स, इफ आई वांट टू यूज मोर देन वन वेरिएबल, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेसेट ट्रैप वी यूज फेसेट ग्रिड. फेसेट ट्रैप खाली जब आपको एक वेरिएबल यूज करना होता है तो आप यूज करते हो फेसेट ट्रैप, अदरवाइज आप यूज करते हो फेसेट. And suppose मुझे दो वेरिएबल लेना है ए एम फैक एंड एक कर देते हैं बी एस फैक. ठीक है, सो आई वॉन्ट ऑल द पॉइंट्स वेट एंड एम पी जी टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेटिक मैनुअल वी शेप्ड एंड स्ट्रेट. देखो कैसा बनेगा, वेरी इंटरेस्टिंग. बी एस डॉट फैक टिल्ट बी एस ए एम डॉट फैक. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, when we have two variables bs.fac tilt am.fac, iska main graph banati hu and then I'll explain you all how it turns out to be. See, so we have automatic and v shaped, right? This graph is for automatic and v shaped cars jinka engine is v shaped and automatic hai.
दिस इज फॉर मैनुअल कार्स जिनका शेप इज जिनका इंजन इज वी शेप. दिस इज फॉर स्ट्रेट एंड ऑटोमेटिक, दिस इज फॉर स्ट्रेट एंड मैनुअल. वॉट कैन यू एनालाइज थ्रू दिस? ऑटोमेटिक, ये दोनों ऑटोमेटिक आ गए, ये दोनों मैनुअल आ गए. सो ऑटोमेटिक कार्स आर अगेन, उनका वेट इज ऑन अ हायर एंड. ठीक है, वी शेप के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो? यहाँ पे वी शेप, ये पूरा दोनों वी शेप का है, ये दोनों स्ट्रेट है. सो उसका एमपीजी इज ऑन अ हायर एंड, देख लो एमपीजी इज ऑन अ हायर एंड एंड वेट लेस साइड में है. क्लियर? सो दैट यू कैन सी यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्लियर? फेसेट ग्रिड कब यूज करते हैं? फेसेट रैप वी यूज व्हेन वी जस्ट हैव वन वेरिएबल. व्हेन यू वांट टू डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल देन वी यूज फेसेट ग्रिड. व्हाट, व्हाई डू वी यूज फेसेट? फेसेटिंग इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू create number of plots in one single plot on the basis of a certain variable. Is it clear? Now let us try to do one more very interesting thing, is that we'll do grouping and faceting together. Suppose mujhe maine bola ki aap try karo grouping on BS and faceting karo on AM. So basically grouping क्या होता है, जो हम कर रहे थे अभी तक, एक ही प्लॉट में अलग अलग AM का ऑटोमेटिक एंड दैट इज योर ग्रुपिंग एंड फेसेटिंग इज बेसिकली डिफरेंट प्लॉट्स. तो इस केस में आप क्या करोगे? What we'll do in this case, I'll just copy paste this entire thing यहाँ पे and you all tell me in the chat box how will the function change. Or you all can just unmute yourselves. कोई भी grouping मतलब कि ये जो हम कर रहे थे यहाँ पे. Ma'am, under aesthetic we will write vs dot fac. Correct. Very good. Under aesthetics, geom point में also Riddhi is saying take it within geom point. If we take within geom point, geom smooth change नहीं होगा. Remember? जियोम स्पेसिफिक एस्थेटिक हो जाएगा वो, पर मुझे दोनों के लिए करना है तो हम यहाँ डालेंगे कलर इक्वल टू पी एस डॉट फैक. वेरी गुड. अगर खाली पॉइंट्स के लिए आप करोगे तो वो खाली पॉइंट्स चेंज होगा, स्मूथ नहीं चेंज होगा. सी, सो वी हैव ऑटोमेटिक कार्स, वी हैव मैनुअल कार्स. ऑटोमेटिक में वी हैव वी शेप्ड एंड वी हैव स्ट्रेट. In this, we have manual mein, we have straight and V-shaped, alag alag. So what can you observe dono se abhi? Straight, dono cars mein, weight kam hai, MPG zyada hai. And for V-shaped, dono mein, automatic and manual mein, weight is on a higher end, but MPG is low. So what is better if we go for automatic, manual, both? Kisi mein bhi jao, what is better? V-shaped या फिर straight? Straight is better क्योंकि आपका weight भी कम है and miles per gallon भी ज़्यादा है. Yes or no? ठीक है, great. So this is how you analyze. तो यहाँ हमने क्या किया? We have also done grouping on the basis of one thing and we have also done faceting. Why did I use facet wrap? Because एक ही variable था. ठीक है, clear है? अभी हम लोग ट्राई करते हैं टू कस्टमाइज अ चार्ट्स. नाउ हाउ कैन यू कस्टमाइज? आपको कस्टमाइज करने के लिए एक्स एक्सिस डालना है. एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या जाएगा, द लेबलिंग बेसिकली. अभी आपका लेबलिंग खाली डब्ल्यू टी आ रहा है, खाली एम पी जी आ रहा है, कोई टाइटल नहीं आ रहा. सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. आई विल जस्ट क्विकली गिव यू द ब्रॉड वेज. सो वी हैव ऑल ऑफ दीज मेथड्स. एक्सेस के लिए, मतलब एक्सेस के लिए दोनों के लिए हम बाइलिम एक्सलिम यूज करते हैं टू सेट द लिमिट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस. यानी कि अगर मुझे वाई एक्सेस में खाली, एक्स एक्सेस में खाली 2 से लेके 4 तक चाहिए वेट, उससे ज्यादा नहीं. सिमिलरली वाई एक्सेस मुझे 15 से लेके 30 तक चाहिए.
स्केल एक्स लॉग 10 इज बेसिकली अगर आपको अपने एक्स एक्सिस का लॉग स्केल में चेंज करना है, दिस इज नॉर्मल स्केल, अदरवाइज आ जाएगा लॉग 2 लॉग 3 ट्रांसफॉर्मेशन करना है. दैट इज इन सम केसेस जहां पे अमाउंट होता है या बहुत बड़े फंक्शन है, इसके अंदर सबटाइटल में क्या देना है, कैप्शन में क्या देना है, इज इट फाइन नाउ रिद्धि? सबके लिए हुआ था क्या ये चीज? फॉर हाउ मच टाइम? कहाँ तक आपने सुना? आप लॉग का बता रहे थे और फिर लैग हो गया. ओके, सो लॉग मैंने बस ये बताया यहाँ पे कि आपका जो एक्स एक्सिस है इसका स्केल चेंज हो जाएगा लॉग में. सपोज लॉग 10 के स्केल में चेंज हो जाएगा लॉग 2 लॉग 3, ये सारा चीज कैलकुलेट हो जाएगा. ये हम जनरली करते जब हमारा अमाउंट सेल प्राइस ये सब गिवन होता है, इसके बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं तो हमें इसका लॉग स्केल लेना पड़ता है, राइट? तब हम लोग जनरली क्या करते हैं, जस्ट वी चेंज द स्केल टू लॉग. अभी नॉर्मल स्केल है, वी चेंज इट टू लॉग. सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं. देन वी हैव टाइटल्स, सबटाइटल्स, कैप्शंस. तो ये आप लैब्स फंक्शन यूज करके डाल सकते हो. इसके अंदर वी हैव, इफ यू कैन सी, टाइटल इक्वल टू आपको जो टाइटल में देना है, कैप्शन इक्वल टू जो आपको कैप्शन में देना है, एक्स लैब वाई लैब. सिमिलर टू दिस एक्स लैब फंक्शन होता है, वाई लैब फंक्शन होता है, जीजी टाइटल होता है, जिसके अंदर आप इट्स द सेम, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, या तो लैब्स यूज कर सकते हो या ये सारे अलग अलग यूज कर सकते हो. एक बार ये ट्राई करेंगे सो इट यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है? लेट मी डू वन थिंग. मैं जो स्टार्टिंग में ले रही थी प्लॉट, वही प्लॉट लेती हूँ. ये वाला चीज पूरा देखो, मैं ये ले रही हूँ पूरा अपना, एंड इसमें अब मैं डाल देती हूँ एक्स लिम. कर देते हैं 2 से 4. तो जो एक्स का लिमिट है ना, देखो अभी 2 से 5 है, 5 से भी ज्यादा वैल्यूज है, 2 से कम के वैल्यूज है, बट अब क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. वी जस्ट गेट दिस पोर्शन. बाय के लिए भी साथ में करते हैं, अलग अलग कर सकते हो, साथ में कर सकते हो, ऐसे भी लिखते हो, बहुत जन ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर के अंदर. 15 से 30 करते हैं, बोथ मेथड का करेक्ट. लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.4, आप ऐसे भी सी फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो. लेट अस आल्सो गिव अ टाइटल्स. लैब्स के अंदर हमने क्या देखा था, वी हैव टाइटल, इसमें हम दे देते हैं ऑटोमोबाइल डेटा. Then we have x axis को मुझे rename करना है as date and y axis को मुझे rename करना है as miles per gallon. ठीक है, इसको run करते हैं. अभी क्या आया देखो, warning message removed 11 rows containing the missing values. Why? जहां पे 2 से कम and 4 से ज्यादा values थे हमारे, ये सारे यहाँ ये सारे जो वैल्यूज थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे वैल्यूज चले जाएंगे. देन 15 से कम जितने भी वैल्यूज थे एंड 30 से ज्यादा जितने भी वैल्यूज थे, ऑल दोज वैल्यूज आर नाउ गॉन एंड वी हैव आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेबल्ड एंड द टाइम. क्लियर? सो दैट इज हाउ यू कैन कट द डेटा. इंस्टेड ऑफ रीनेमिंग इट लाइक दिस, आप ऐसे भी रीनेम कर सकते हो, आप ऐसे भी रीनेम कर सकते हो. देखो फंक्शन यू कुड हैव ऑल्सो यूज्ड अलग से जीजी टाइटल, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था देखो, अलग से एक्स लैब, अलग से वाई लैब, अलग से जीजी टाइटल भी यूज कर सकते हो. सो अलग से जीजी टाइटल, अलग से एक्स लैब एंड अलग से वाई लैब, ठीक है? ये हम करेंगे, क्या होता है अलग से.
ये वाला चीज डिफरेंस यहाँ पे लैब्स फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स की जैसे यूज करा, यहाँ पे हमने क्या यूज करा फंक्शंस की जैसे अलग अलग. क्लियर? इट्स द सेम थिंग. देखना सेम आएगा, जिस दैट एक्स लिम वाई लिम नहीं है तो पूरा पूरा डेटा आएगा. क्लियर? नाउ वी कैन ऑल्सो मैग्निफाई या फिर जूम इन. वी कैन जूम इन द डेटा. अगर मैं बोलूं कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया पे जूम इन करना है, 2 से लेके 4 पे मुझे जूम इन करना है, सो आई यूज अ फंक्शन कॉल्ड, आई यूज अ फंक्शन कॉल्ड क्वाड, विच इज द शॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन. ये देखो क्या होता है, क्वाड कार्टेशियन. दिस इज टू सेट द लिमिट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड इट विल जूम द प्लॉट. इट विल मैग्निफाई द प्लॉट बेसिकली. सो इट्स लाइक एक्स लिम वाई लिम ओनली, जस्ट दैट वहां पे हमारा ये वार्निंग मैसेज आ रहा था, इफ वी यूज दिस वी विल नॉट गेट अ वार्निंग मैसेज. सो इट्स लाइक जूमिंग इन टू द डेटा. तो हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे अगेन एक्स लिम मुझे करना है, सो आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे राइट 2 से 4. 2 से 4 के बीच में देखो जूम इन हो गया एंड मेरा कोई एरर भी नहीं आया. पहले आई वॉज गेटिंग अ वार्निंग मैसेज, 11 रोज रिमूव्ड, ये वाला वार्निंग मैसेज आ रहा था बिकॉज आई वॉज यूजिंग एक्सलिम एंड वाइलिम. या अलग से देखो इस वाले केस में, बट अभी आई एम यूजिंग क्वाड कार्टेशियन. इसमें क्या होता है, जूम इन हो जाते हैं एंड हमारा कोई वार्निंग मैसेज भी नहीं आता. ठीक है? ओके. सो जस्ट लास्ट थिंग विच फॉर टुडे इज थीम्स. हम अब अलग अलग थीम्स देखते हैं कैसे हम अपना थीम सेट इन कर सकते हैं. सो आई विल टेक दिस डेटा अगेन. इसी में हम कुछ थीम डालते हैं अपना. सो ये मेरा पूरा डेटा था, देख लो पूरा डेटा जहाँ पे हमने एक्स लैब वाई लैब ये सब दिया. अब देखना थीम में क्या होता है, अगर आपको ये चेंज करना है मे बी इसका साइज या इसका कलर, या ये जो हमने लेबलिंग करा है इसका साइज इसका कलर चेंज करना है, तो हमें क्या फंक्शन यूज करना पड़ता है, थीम. नाउ दिस इज अ वेरी ह्यूज फंक्शन एक्चुअली, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग, क्योंकि आप लोग के ऊपर है. जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला, आप अपने तरीके से इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड यूज करके देखो. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज दिस एंड आई विल जस्ट टेक वन एग्जाम्पल यहाँ पे. ठीक है? तो देखो इसके अंदर जस्ट सी द अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू कैन यूज, दीज मेनी आर्ग्यूमेंट्स यू कैन यूज, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज, सबका एक मीनिंग है. ये जो आप देख रहे हो एक्सेस टाइटल, इसके अंदर आप डालोगे वो सबसे किससे डील करेगा, इनसे एक्सेस टाइटल से, वेट माइल्स पर गैलन जो आपने लिखा है. क्लियर? अगर आपको खाली एक्स एक्सिस के टाइटल को चेंज करना है तो ये, अगर आपको खाली वाई एक्सिस के टाइटल को चेंज करना है ये, अगर आपको टाइटल को शिफ्ट करना है लेफ्ट में राइट में बॉटम टॉप, तो ये सब कुछ उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. देन वी हैव एक्सिस टिक्स. टिक्स आर बेसिकली फॉर दीज 30, 35, 25 जो लिखा हुआ है. ये टिक आपको किधर चाहिए, क्या पोजिशन पे चाहिए, राइट? देन वी हैव लेजेंड स्पेसिंग. अगर आपके पूरे प्लॉट में एक लेजेंड है तो उसका स्पेसिंग क्या होना चाहिए, उसके अंदर अंदर कलरिंग क्या होना चाहिए, राइट? देन वी हैव ऑल्सो फॉर द टाइटल. देखो प्लॉट का टाइटल आपको क्या चाहिए, पोजिशन चेंज करना है क्या, सब टाइटल के लिए. सो इट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज आर सेम. हम लोग कुछ एक बेसिक ट्राई करते हैं, हम लोग एक्सेस टाइटल एंड ऑल को ट्राई करते हैं इधर. सो आई विल जस्ट राइट थीम. आप लोग घर पे खुद से एट योर ओन टाइम यू ट्राई डूइंग इट. हम एक्सेस टाइटल एक्स ले लेते हैं. ठीक है? एक्सेस टाइटल एक्स ले लेते हैं एंड इसको हम सॉरी, तो इसको हम क्या करते हैं, सपोज आई वॉन्ट द टेक्स्ट कलर टू चेंज, तो इसमें अब एक नया फंक्शन होता है एलिमेंट टेक्स्ट. इस पे क्लिक किया मैंने एलिमेंट टेक्स्ट पे, देखो एलिमेंट ब्लैंक एलिमेंट रेक्ट लाइंस टेक्स्ट सिमिलर. सो इस बेसिकली आपको कैसा टेक्स्ट चाहिए, तो इसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ ध्यान देना,
एलिमेंट टेक्स्ट। अब इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, लेट मी कीप इट एज रेड एंड यू कैन ऑल्सो गिव द साइज, लेट मी कीप इट एज ग्रीन। समझो क्या किया मैंने, एलिमेंट टेक्स्ट अगर आप देखो मतलब कि क्या कर रहे हैं, बट अगर आप खाली इसको समझो भी ना, एक्सेस टाइटल एक्स मतलब एक्स एक्सेस का टाइटल हम स्पेसिफिकली चेंज करें, एलिमेंट टेक्स्ट मतलब कि इसके टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे, कलर हम देंगे रेड एंड इसका साइज इंक्रीज करेंगे 15। सेम वी विल डू फॉर एक्सेस टाइटल वाई, सेम चीज होता है इसमें भी। आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिमेंट टेक्स्ट यू कुड हैव यूज्ड एलिमेंट लाइन, अगर आपको लाइंस ऐड करने हैं, रेक्ट मार्जिन ब्लैंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हैव टू ट्राई इट एट योर ओन टाइम, अलग अलग बहुत सारा कुछ है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू यूज इट राइट, एंड ओवर टाइम हम लोग धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ कुछ यूज करते रहेंगे। So let me change this to maybe green. ऐसे randomly I'm just doing it. इसको run करके देखते हैं। हुआ change? Right? Access title को भी change कर सकते थे। एक साथ में ये मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद, इसके पहले प्लॉट टाइटल को चेंज करते हैं। प्लॉट टाइटल दे देते हैं अगेन एलिमेंट टेक्स्ट एंड इसके अंदर आई विल पुट इन कलर ब्लैक, साइज कर देते हैं इसका 20। देखो साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू विद दिस इज, व्हाट एल्स वी कैन डू विद दिस इज, ये पूरा चीज इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट दिस वे, जैसे मैंने बोला आप डायरेक्टली एक्सेस टाइटल भी यूज कर सकते थे, लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम यहाँ पे एक्सेस टाइटल खाली यूज करेंगे, सो इट विल बी बेसिकली फॉर बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस टुगेदर। Instead of specifying dot x dot y अलग, मैंने सीधा खाली एक्सिस टाइटल ले लिया। और एक चीज दिखा देती हूँ लास्ट में थीम्स के, यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थीम एंड देन यू हैव ब्लैक एंड व्हाइट थीम, क्लासिक डार्क ग्रे लाइट मिनिमल, तो ये डिफरेंट थीम्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। Let us just select dark theme एक बार के लिए। Pre-built theme है जिसमें आप अपने according पीछे का background देखो dark हो गया। You have classic, you have light, you have black and white, right? This is the classic theme. यहाँ पे पूरा वो grid नहीं आता, so it's a classic x and y axis. So these all things you can do at your own time, aram se different kind of combinations which you want to use, all of these you can do. Very last topic today, ki agar ab aapko multiple plots chahiye in single graph, in single plot area, multiple graphs chahiye. Now this is not exactly same as faceting. Faceting mein bhi hame alag alag graph mila tha in the same plot, but that was according to some variable. यहाँ पे मुझे अलग वेरिएबल नहीं, मुझे दो अलग अलग एकदम अलग अलग ग्राफ को, सपोज इसको एंड इसको, ये दो अलग अलग ग्राफ को सेम प्लॉट में बनाना है, सेम एरिया में चाहिए मुझे। सो दीज आर नॉट रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फेसेस, तो यहाँ पे फेसेटिंग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मल्टीपल ग्राफ्स कैसे, इसके लिए हमें चाहिएगा अ न्यू पैकेज व्हिच इज ग्रेट एक्स्ट्रा, तो हम नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ग्रिड एक्स्ट्रा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है सो आई एम नॉट रनिंग दिस अगेन,
एंड वी लोड इट, ठीक है. नाउ सपोज लेट मी जस्ट टेक टू, लेट मी जस्ट टेक दिस एज वन ऑफ द प्लॉट. इसको हम डाल देते हैं P1 में. ये मेरा एक प्लॉट है, देख लो P1. एक और प्लॉट ले लेते हैं P2, जिसमें मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ अभी. इसमें मैं एक्स एक्सिस में ले लेती हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ वेट, DISP डिस्प्लेसमेंट. तो ओके, ये GG टाइटल नहीं चाहिए था मुझे एक्चुअली, मुझे चाहिए था इनफैक्ट वाई लैब, राइट. मुझे चाहिए था वाई लैब. एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे डिस्कस करना है इन जनरल, विच आई विल जस्ट डिस्कस आफ्टर दिस. सो अगर आप लोग को एक ट्रेंड दिख रहा है कि मैं कैसे लिख रही हूँ, आई एम गिविंग अ प्लस साइन यहाँ पे एंड देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन. व्हाई एम आई डूइंग दिस? क्योंकि अगर आप प्लस यहाँ पे नहीं लिखो एंड यू राइट प्लस साइन ओवर हियर, तो इससे क्या होगा ना, व्हेन यू रन दिस, तो यहाँ पे देखो क्या रन हुआ, खाली ये चीज, खाली ये वाला फंक्शन इसमें रन हुआ. आर विल नॉट अंडरस्टैंड कि इसके बाद कुछ कंटिन्यूएशन था कि नहीं, क्योंकि आपने प्लस साइन नेक्स्ट लाइन में लिखा है, राइट. बट अगर आप ऐसे करो, अगर आपका प्लस साइन यहाँ रहे, सो आर विल अंडरस्टैंड कि अच्छा चलो यहाँ से भी आप कर्सर रख के रन करोगे. माई कर्सर इज हियर एंड स्टिल आई एम रनिंग इट, एंड देखो पूरा चीज इधर पे सिलेक्ट हुआ, बिकॉज आर विल अंडरस्टैंड कि ये प्लस है तो बेसिकली देयर इज अ कंटिन्यूएशन. प्लस है कंटिन्यूएशन होगा, प्लस है तो कोई कंटिन्यूएशन होगा, सो इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली. अगर आप प्लस साइन नहीं लिखते हो, बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखते हो, सो इट विल नॉट गेट रिकॉग्नाइज्ड. दिस इज अ वे बिकॉज यू आर ऑल समवेयर और द अदर, मे बी आप कभी कोड को लिखोगे या एनालाइज करोगे. ये मिस्टेक्स होते हैं जो आपके कोड्स में होते हैं. सपोज यू हैव जॉइंड अ कंपनी एंड उन्होंने आपको एक आर का पूरा कोड दिया, बिकॉज यू नो आर, यू हैव सेड दैट आई नो आर प्रोग्रामिंग, सो दे हैव गिवन यू अ कोड. नाउ दे आस्क यू कि बताओ इसमें कुछ गलती आ रहा है, मुझे लग रहा है क्या गलती है, एंड पता है उसमें गलती क्या क्या होते हैं. मे बी देर इज अ ब्रैकेट मिस्टेक विच हैज बीन कमिटेड, और अगेन दिस प्लस साइन यहाँ पे था तो मे बी खाली ये वाला चीज रन हुआ एंड वो नोटिस ही नहीं किया किसी ने. सो ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच आर रियली ट्रिवियल, बट ये होता है, ठीक है. तो जब भी कोडिंग करो, जब भी लिखो, मेक श्योर यू राइट इट इन दिस फॉर्मेट. लेट्स रन P2 एज वेल. एंड नाउ अब मुझे ये P1 एंड P2 अगर सेम प्लॉट में चाहिए, सो वॉट फंक्शन आई विल यूज, ग्रिड एक्स्ट्रा वॉज द पैकेज. इसमें द फंक्शन इज ग्रिड अरेंज. ग्रिड अरेंज मुझे खाली अपना देख लो, ग्रिड अरेंज हेल्प टैब में कैसा होता है. तो मुझे जस्ट दीज पॉइंट्स आर बेसिकली, यू जस्ट नीड द डिफरेंट GG प्लॉट्स विच आर देयर. सो आई विल जस्ट राइट P1 एंड P2, एंड अगेन यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हो कितना आपको चाहिए. लेट्स रन दिस. सिंगल ग्राफ में वी हैव टू प्लॉट्स. डिफरेंस बिटवीन फेसेटिंग इन दिस, फेसेट में क्या होता था कि आपको ऑन पर्टिकुलर वेरिएबल आप उसको एक ही ग्राफ को दो अलग अलग मिला सकते हो. यहाँ पे आपका दो कंप्लीटली डिफरेंट ग्राफ है. ये है वेट और माइल्स पर गैलन, ये है डिस्प्लेसमेंट और माइल्स पर गैलन, एंड उसको हमने सेम प्लॉट में अरेंज किया. नंबर ऑफ कॉलम्स भी आप चेंज कर सकते हो. यू कैन पुट इन एनकोल इक्वल टू 2, आपका ऐसे आ जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस. हमने क्या क्या कवर किया है? वी लर्नड अबाउट डेटा कैसे लेते हैं, डिफरेंट एस्थेटिक्स, मैपिंग बोलते हैं जिसको हम. अगर आप GG प्लॉट के अंदर लिखते हो, सो इट्स फॉर द एंटायर डेटा. अगर आप जियोम स्पेसिफिक एस्थेटिक्स देते हो, लाइक जीजी जियोम पॉइंट के अंदर, जियोम स्मूथ के अंदर, सो दैट विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर जियोम ओनली, जियोम स्पेसिफिक.
मैपिंग, अगर आप कलर इक्वल टू ब्लू लिखते हो विद इन एस्थेटिक्स तो वो एज अ वेरिएबल लिया जाएगा, राइट? अलग से लिखोगे आउटसाइड ऑफ एस्थेटिक्स तो वो आपका सेटिंग के जैसा लिया जाएगा। ज्योमेट्रिक्स में हमने जियोम पॉइंट देखा और जियोम स्मूथ देखा, कल हम बाकी सारा देखेंगे। स्टेटिस्टिक्स हमने आज नहीं करा। फेसेट्स अगेन, अगर आपको एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल के हिसाब से अपने एक सिंगल प्लॉट को डिवाइड करना है, सो यू कैन यूज फेसेट ट्रैप और फेसेट ग्रिड। कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने देखा एक्सलेम वाईलेम, एक्सलैब वाईलैब से हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंड कोऑर्ड कार्टेशियन से हम मैग्निफाई कर सकते हैं। थीम्स अगेन वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑल ऑफ दोस थीम्स आर देयर। ऑल्सो थीम फंक्शन के अंदर भी हमने देखा जो आप एक्स एक्सिस का टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल, प्लॉट टाइटल, उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? आई विल अपलोड द फाइल टुडे, मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट ggplot2 पैकेज। एक्चुअली इट्स अ वेरी ह्यूज पैकेज, हम ऑलमोस्ट थिंग्स विल ट्राई टू कवर, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑल हैव टू डू एट योर ओन पेस। थोड़ा अलग अलग डेटा लेके ट्राई करो कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, सो दैट यू बिकम, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको इससे काफी कुछ सीखने मिलेगा, आपका डेटा जो है उसका बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास आई विल यूज सम अदर डेटा, आई विल अपलोड द डेटा इन द ड्राइव एंड आई विल लेट यू ऑल नो कि कौन सा डेटा है, तो उसको आप डाउनलोड करके रखना एंड वी विल यूज दैट। ओके, ग्रेट, थैंक यू, वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास।